अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जाने फाती किचन। और आज हम बना रहे हैं काले चनों की चाट। काले चनों की चाट बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए काले चने। हमने ले लिए हैं 1 कप है हमारे पास काले चने। इसको हमने ओवरनाइट सोक करने रख दिए थे और उसके बाद सिंपली हमने इसमें पानी में नमक ऐड करके तो इसे बॉईल कर लिया है। अच्छे से टेंडर हो चुके हैं और इसको हमने ठंडा करने के बाद हम इसकी चाट को रेडी कर लेंगे। चाट में हमें ऐड करना है, चाट के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास। पोटैटो हमने ले लिया है 1 अदद मीडियम साइज़, और उसको डाइस शेप में छोटा छोटा कट करके तो हमने बॉईल कर लेना है। ये ऐड कर देंगे हम इसके अंदर सारा। एक टमाटो ले लिया है छोटे साइज़ का, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ग्रीन चिली है हमारे पास, ये भी हस्बे ज़रूरत छोटी सी हमने ली है और इसको कटिंग करके हमने ये भी ऐड कर देना है। अनियन है हमारे पास छोटी साइज़ की, और इसको हमने चॉप्ड कर लिया ऑमलेट कट, और इसको वॉश करके तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इमली का पल्प है हमारे पास 1 कप, ये ऐड कर देंगे हम इसमें। और इमली अगर आपकी खट्टी नहीं है ज़्यादा तो आप इसको पल्प को ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट मेरी इमली ज़्यादा खट्टी है तो मैं इसमें 1 कप ही ऐड कर रही हूँ। इसमें ऐड कर देंगे हम चाट मसाला। इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला। चाट मसाला खट्टा सा हमारे पास है, ये इतना मज़ेदार सा स्पाइसी सा चाट मसाला, ये ऐड कर देंगे और हम इसको मिक्स कर लेंगे। इतनी सिंपल सी और इजी रेसिपी है, आप इसे घर में बनाएं, एंजॉय करें। रमज़ान के लिए भी बड़ी बेस्ट रेसिपी है। इसको जस्ट हमने मिक्सिंग करनी है और कोई मुश्किल नहीं है इसमें। देखिए इतनी ज़बरदस्त हमारी चाट, काले चने की चाट रेडी है। इमली का पल्प हम और ऐड कर देंगे इसके अंदर, तो इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारी काले चनों की चाट रेडी है, अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी काले चने की चाट रेडी टू ईट है। इजी एंड सिंपल टेस्टी रेसिपी, इंजॉय करें, बनाएं और फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पर देखने को मिले। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग जेफ के चैनल। अल्लाह हाफिज़।